तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जेसीसी एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आखिरकार मुश्किल हो जाएगा आपको एडमिशन लेना एग्रीकल्चर नर्सिंग या पारामेडिकल के किसी भी कोर्स में। दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये है कि पाँच पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पाँचों पॉइंट्स को आसानी से आप समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, बस शर्त यह है कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा एंड बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होगा। दोस्तों मैं आनंद शर्मा बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट एग्रीकल्चर से कांके रांची के हॉस्टल में रहता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चे परेशान हैं, कुछ बच्चों का ऐसा हालत है कि 620 625 नंबर लाने पर भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कुछ पेरेंट्स भी आए कॉलेज हॉस्टल मिलने के लिए आए, मैं मिला उनसे, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं बात ऐसा है कि कॉलेज मिलने के बाद एक सेटिस्फैक्शन होता है स्टूडेंट के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका मन होता है नीट में, लेकिन वो सोचते हैं कि एग्रीकल्चर में या वेटनरी में चले जाएं और एक बार सेटल होकर के फिर कॉलेज में भी तैयारी करें ताकि बैकअप हो उनके पास कि हाँ एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं या फिर वेटनरी कर रहे हैं, और मानकर चलिए नेक्स्ट ईयर नीट ना भी हो तो अपना कॉलेज लाइफ तो चल ही रहा है। तो ऐसे भी सोच रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो चलिए अपनी अपनी सोच है, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे आकर के भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं, मैसेज पे भी बात कर सकते हैं, मैं आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि डिले इन नीट काउंसलिंग, यानी कि दोस्तों इस बार आप देख सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हुआ है, कुछ स्कैम कह रहे हैं कि स्कैम हो गया है नीट में, नीट 2024 में बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो 720 आउट ऑफ 720 आ गया है, एक ही सेंटर से बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ आप जान रहे हैं। तो इसके कारण हो क्या रहा है कि अब काउंसलिंग में डिले हो रहा है नीट का। अब नीट में काउंसलिंग डिले होने के कारण होगा ये कि जो स्टूडेंट नीट में जाने वाले हैं, जो कि अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका अच्छा मार्क्स आया है, कुछ स्टूडेंट होते हैं बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जैसे 650 जिनका नंबर आया है, 652 654 655, ऐसे स्टूडेंट को डाउट है कि मिल भी सकता है कॉलेज, नहीं भी मिल सकता है। तो वैसे केस में वो क्या करेंगे कि आ जाएंगे नर्सिंग वाले कोर्स में, पारामेडिकल में एडमिशन ले लेंगे या फिर एग्रीकल्चर वेटनरी में एडमिशन लेकर के बैठ जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट यहाँ पर आ सकते थे जो कि लाइन पे, तो वो लोग रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो एक ये दिक्कत हो सकता है स्टूडेंट्स के साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डिले इन नर्सिंग एंड पारामेडिकल एग्ज़ाम। होगा क्या डिले इन नर्सिंग एंड पारामेडिकल एग्ज़ाम से? होगा ये कि ये स्टूडेंट क्या करेंगे जो एग्रीकल्चर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर का भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या किए हैं कि नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो नर्सिंग का अगर एग्ज़ाम होगा नहीं, लेट से एग्ज़ाम होगा, तो वो क्या करेंगे एग्रीकल्चर में आकर के एडमिशन ले लेंगे और फिर वही कहानी जो मैंने पहला पॉइंट पे बताया आपको कि सीट वो ब्लॉक करेंगे। तीसरा, 650 मार्क्स आने पर भी नीट में एडमिशन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर यह है कि जब स्टूडेंट 650 मार्क्स लाने पर भी एडमिशन नहीं हो रहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 2 ड्रॉप होता है, जिनका 3 ड्रॉप होता है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनका 4 से 5 ड्रॉप्स होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में होगा क्या कि ये सभी स्टूडेंट अपना हिम्मत तोड़ देते हैं, फिर इनको लगता है कि नहीं अब कोई ना कोई कॉलेज चले जाते हैं और अपने जो डायरेक्शन है वो नीट की तरफ से हटा करके एग्रीकल्चर वेटनरी नर्सिंग की तरफ आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे स्टूडेंट भी अब आएंगे किधर, एग्रीकल्चर की तरफ आएंगे, ये नर्सिंग की तरफ आएंगे, ये पारामेडिकल की तरफ आएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ईजी क्वेश्चंस यानी कि मोर कॉम्पिटिशन। इस बार हुआ क्या कि बायोलॉजी में हुआ ये कि 50 क्वेश्चंस जो था वो कैसा था पता है? बहुत इजी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 40 प्लस मार्क्स आ गया है इसमें बायोलॉजी में। इससे होता क्या है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो जितना इजी रहेगा, उतना जो कंपटीशन है वह आगे की ओर बढ़ता जाएगा, यानी कि जो रैंक रहेगा सिर्फ एक नंबर के कम और ज़्यादा होने से, 0.5 के नंबर कम और ज़्यादा होने से रैंक जो है वो बहुत आगे पीछे हो जाता है दोस्तों। अब क्वेश्चन पांचवा, नो पेनल्टी यानी कि मोर सीट ब्लॉकर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि एग्रीकल्चर में जब स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं
या फिर वेटनरी में वो एडमिशन ले लेते हैं, तो करते क्या है कि इसे बैकअप के तौर पे वो रख लेते हैं कि हाँ ये मेरा बैकअप है, कहीं मैं एक साल तैयारी किया नीट में जाने के लिए नहीं हो पाया तो हाँ मैं यहाँ पर तो हूँ ही, या फिर नीट का काउंसलिंग लेट से हो रहा है, मैं इस काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले लेता हूँ, फिर बाद में वहाँ जाऊँगा। तब तक क्या होता है कि ये जो सीट्स है वह ब्लॉक हो जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें कि ये सभी जो 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, ये सभी कहीं ना कहीं कठिनाइयां लाने वाली हैं इस बार स्टूडेंट्स के एडमिशन में 2024 में। दोस्तों अगर काउंसलिंग रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो या फिर नर्सिंग का आप तैयारी करना चाह रहे हो तो जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, इस पे आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। जो नंबर है वो मैं दोहरा देता हूँ, 9939703218, इस पे आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए और आप अपनी जानकारी ले सकते हैं कि आपको इस बार सीट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए। हमारे तरफ से बेस्ट सजेशन दिया जाएगा आपको, टीम बनाया गया है 6 मेंबर्स का जो कि आपको काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।